आप मुझे कुछ बताएंगे नहीं, बट फिर भी मैं आपके किसी जानकार का मोबाइल नंबर बता दूंगी, मैं किसी का नाम बता दूंगी। वो सिर्फ वही चीजें कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। लोग उन्हें बाबा बोलते हैं, हमें जादूगर बोलते हैं। जादूगर भी एक्सपोज्ड होते हैं। आप मेरे पास 5 मंगलवार आओ, आपके साथ में ये अच्छा हो जाएगा। मेरा जो स्पेशलाइजेशन है इल्यूजन में, जिसमें मैं किसी बॉक्स के अंदर किसी को बंद करती हूँ, गायब करती हूँ, टुकड़े करती हूँ, ये सब चीजें जो हम करते हैं। ये देखो, जब मुझे वो आग में डाला गया था तो एक्चुअली मैं ये नहीं कहूंगी वो भ्रम था, मैं सच में थी वहां पर। मैं सच में थी। क्यों, आप बीच में से बिल्कुल काट दिया जाता है आपको और फिर वापस सही भी हो जाते हो, कैसे करते हो? ओके, कैसे करती हूँ। बेटो काम तो करे को नहीं, दो पी संगो और लोन लिया 7 लाख को केकरे रही तरी ब्याह। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और थे देख रहे हो झलको सीकर। झलको सीकर पर अपना बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने कने एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है, माको नाम है जादूगर आंचल। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सभी जो मुझे देख रहे हैं उन सभी को सादर प्रणाम। पर जादू वास्तव में है कई चीज, के चीज को नाम है जादू? टेंशन भरी दुनिया में जो उम्मीद हमें देता है कि जिंदगी की लाख मुश्किलों के बाद भी एक अच्छी चीज हो सकती है, कुछ जादू हो सकता है कि आपके लाइफ में कितना भी बुरा क्यों ना हो वो अच्छा हो जाएगा। तो मेरे लिए वो उम्मीद भी जादू है। रही बात बात आते, ये तो फिलोसॉफिकल बात हो गई, लेकिन अगर मेरे जादू की बात करें तो जादू मतलब एक ऐसी प्रस्तुति जो आपके लिए असंभव है जिसे हम संभव कर रहे हैं। अब हम संभव कैसे कर रहे हैं, तो इसमें कोई हमारे पास कोई देवी शक्ति या कोई ऐसे तंत्र मंत्र साधना कुछ नहीं है, सिर्फ बहुत सालों की प्रैक्टिस है। साथ ही मिसडायरेक्शन करना, आप लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना और कई सारी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे सम्मोहन विद्या है और बहुत हद तक विज्ञान का इस्तेमाल बहुत होता है। विज्ञान की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे बातें हैं जो आम तौर पे लोगों को नहीं पता होता, जिनका इस्तेमाल करके हम लोगों के लिए जादू क्रिएट करते हैं। और जादू आपके लिए चमत्कार भी कह सकते हो, लेकिन मैं फिर से कहूंगी कि मैं कोई चमत्कारिक पुरुष या स्त्री नहीं हूँ, मीन्स आई मीन चमत्कारिक इंसान नहीं है। ठीक है, हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपके लिए वो लगता है यार ये तो चमत्कार है, लेकिन वो हमारी प्रैक्टिस है, हमारी साधना है। जादू को मिसयूज भी कर सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के जादू हुए हैं। थे कौन सा कमान ज्यादा बिलीव रखो? मिसयूज जो जादू का करते हैं वो एक्चुअली लोग नहीं करते, वो हमारी आस्था कर रही है। मतलब कई बार अगर आज मैं शुरू हो जाऊं कि आइए मैं आपका भविष्य दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे शो में मैं एक्ट करती हूँ कि मैं, आप मुझे कुछ बताएंगे नहीं बट फिर भी मैं आपके किसी जानकार का मोबाइल नंबर बता दूंगी, मैं किसी का नाम बता दूंगी, तो अगर मैं वो काम बिजनेस के रूप में चालू करूं तो अच्छा खासा कमा सकती हूं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि मैं इस अंधश्रद्धा के खिलाफ हूं। मैं लोगों को बोलती हूं देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ वही चीजें कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, लोग उन्हें बाबा बोलते हैं, हमें जादूगर बोलते हैं। तो नाम अलग है, चीज एक ही है। और सबसे बड़ा जादू जो मुझे लगता है कि अगर आपकी लाइफ में, ये नहीं कहती हूं कि जिंदगी में चमत्कार नहीं होते हैं, इसीलिए शायद डॉक्टर भी एक वक्त पर आके बोलते हैं देखिए अब तो ईश्वर के भरोसे है, वो अब दुआ, अब तो भगवान का आशीर्वाद ही बचा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि ईश्वर के रूप में चमत्कार तो होते हैं, लेकिन हम इंसानों के पास अपनी आस्था के अलावा ऐसी कोई शक्ति नहीं जो चमत्कार कर सके। तो लोगों का विश्वास चमत्कार करता है। अब रही बात मेरी बात कि मैं अच्छी या बुरे में क्या मैजिक यूज करती हूँ, मैं जो भी करती हूँ मेरा मकसद ये होता है कि लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आए और जिसमें मैं कामयाब होती हूँ। जैसे आपने अभी बाबा की बात करी, उन्हें कुछ लोग बाबा बुलाते हैं, बाबा एक्सपोज हो जाते हैं, दुनिया उन्हें पकड़ लेती है कुछ टाइम के बाद, चाहे कितने ही बड़े हो, जादूगर कभी एक्सपोज नहीं होते। नहीं, ऐसा नहीं है, जादूगर भी एक्सपोज्ड होते हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि जादूगर एक्सपोज नहीं होते। फर्क इतना है कि हम लोगों की आंखों में, या मैं ये कहूँ कि हम लोगों के विश्वास के साथ नहीं खेल रहे, आप समझ रहे। मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐसा करोगे, आप मेरे पास 5 मंगलवार आओ, आपके साथ में ये अच्छा हो जाएगा, हम ये काम नहीं कर रहे हैं। इसके लिए वो चीज उस मायने में नहीं रखती। मैं जो शो कर रही हूँ, ठीक है अगर आप पकड़ लेते तो इट डजंट मीन, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी एग्जैक्टली मेरे पास भी एक कला है जिस वे में हम उसे परफॉर्म कर रहे हैं। एक्सपोजर की जो बात आती है, आज का जमाना है, बहुत सारी चीजें एक्सपोज होती है, एंड इट्स फाइन।
तो मुझे हमें ऐसा लगता है, मतलब मैजिक कम्युनिटी की बात करूं, मैं अपनी बात नहीं कर रही, जितने भी मैजिशियंस हैं, हमें तो उल्टा चैलेंज मिलता है, ओके अब ऐसा क्या दिखा सकते हैं कि लोगों को एंटरटेन हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोग इमोशंस के साथ जुड़े और कुछ ऐसी बात लेकर जाए जो उनकी लाइफ को इंस्पायर करे, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो, इस वजह से हम लोग शोज भी करते हैं। तो अभी जैसे मैंने शोज आपके देखा, तो हर एक शो के अंदर आदमी उत्सुक हो जाता है कि आगे क्या दिखाना लाएंगे। तो और जो क्रिएटिविटी है ट्रेंडिंग लीज या फिर या अपने आप ही प्रैक्टिस आती गई? एक्चुअली जो रिदम होता है शो का वो डेफिनेटली अनुभव से भी आता है। अभी की बात करूं तो मेरा भाई इन चीजों में काम करता है, गुरु उसका नाम है, मुझसे छोटा है पर मुझसे 10 कदम आगे। तो एग्जैक्टली वो शो का जो फ्लो है वो डिजाइन करता है, किसके बाद हमें कैसे करना है, क्या परफॉर्म करना है, कौन सा एक्ट आना चाहिए, कौन सा मैजिक होना चाहिए, कब गैप लेना है, कब पोज लेना है, कब कंटिन्यू रखना है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये अनुभव के साथ आती है, ये एक दिन में या एक बार में नहीं आ सकते। जादू का प्रकार तो बहुत ज्यादा होता होगा, फिर भी थारी नजर में मतलब जादू का तो प्रकार को हो सके? देखिए जादू के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मैजिक के बहुत सारे प्रकार होते हैं। अगर मैं इफेक्ट वाइज गिनूं तो बहुत अलग चीज हो जाएगी, जैसे किसी को गायब करना, किसी को अपीयर करना, प्रकट करना, हवा में उड़ना, कोई सॉलिड टू सॉलिड, किसी जैसे पंखे में से चलते हुए पंखे में से मैं आर पार होते हुए आपने देखा था। तो इस टाइप के कई सारे ये इफेक्ट वाइज हो गए। अगर हम जादू की जो शैली है, जादू का जो तरीका है, अगर हम उसकी शैली के प्रकार गिने तो क्लोजअप मैजिक हो गया, स्टेज मैजिक हो गया, कॉन्जरिंग हो गया, स्केप मैजिक हो गया, मतलब ये सब है कि जैसे मेरा जो स्पेशलाइजेशन है इल्यूजन में, जिसमें मैं किसी बॉक्स के अंदर किसी को बंद करती हूँ, गायब करती हूँ, टुकड़े करती हूँ, ये सब चीज़ें जो हम करते हैं इसको हम इल्यूजन मैजिक करते हैं, स्टेज मैजिक। कुछ मैजिक होता है जो मैं बैठे बैठे इल्यूजन नाम दे रहे हो, मतलब ये भ्रम होता है लोगों का बस। एक्चुअली हर मैजिक भ्रम ही है, भले वो मैं नजदीक से दिखाऊँ या स्टेज पर देखो, या फिर आप ये देखो जब मुझे वो आग में डाला गया था, तो एक्चुअली मैं ये नहीं कहूंगी वो भ्रम था, मैं सच में थी वहां पर मैं सच में थी, लेकिन वहां पर ये भ्रम था कि आंचल उतनी इस मजबूती से जकड़ी हुई है कि उसके लिए निकलना नामुमकिन है लोगों की नजरों में। लेकिन मैं जादूगर हूं तो भ्रमों को ही तोड़ना, या ये कहूं कि भ्रमों को कभी कभी बना के रखना और कभी कभी तोड़ना, ये दोनों काम हम जादूगर लोग करते हैं। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं इसको रिपीट करूं, और क्या पता अगर सब कुछ सही रहा तो सिक्कर में ही कर लें और सिक्कर वाली जनता इसे देख सके, पर मैं इसको अभी ओपनली नहीं कहूंगी, मतलब मेरा मन है, लेट्स सी, अगर सब कुछ बैठता है, सब कुछ प्लान के हिसाब से ज्यादा तो शायद, क्योंकि ये मेरा 25वां साल चल रहा है, मतलब 25 साल पूरे हो गए मुझे, तो ये कह सकते हैं कि मेरा सिल्वर जुबली ईयर है मैजिक इंडस्ट्री में जादू करते हुए। तो मेरी इच्छा है इसको मैं सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। तो आपने 1000 से ज्यादा स्टेज शो कर लिए हैं, सफलतम सारे के रहे, तो इसमें से मतलब कोई ऐसा कोई बताना चाहो आप दर्शकों? देखिए हर शो में बहुत सारे, मतलब मैं किसी एक इवेंट के लिए नहीं कह सकती, बहुत सारी चीजें जो यादगार रही, जैसे आग वाला एक्ट जिसे हम कहते हैं वो डेफिनेटली, और वो एक खास इसलिए भी था क्योंकि मेरे अलावा और कोई लड़की ऐसी नहीं है जिसने ये किया है हमारे इंडिया से या आउट ऑफ इंडिया से, तो थोड़ा सा स्पेशल वाली फीलिंग आती है। उसके बाद एक शो हमने किया था, टीवी शोज मेरे हमेशा बहुत यादगार रहते हैं, जिसमें मैंने 10 लाख का इनाम जीता था साउथ इंडियन टीवी चैनल पे, तो मेरे लिए वो शो बहुत यादगार था क्योंकि उनकी भाषा मुझे समझ में नहीं आती थी, हम हाँ 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 करते रहते थे, लेकिन चेहरे से पता चलता था फेशियल एक्सप्रेशन की हाँ अच्छी तारीफ करें। वो मल्टी जोनर शो था, मतलब सारे आर्टिस्ट थे, सारे फील्ड के आर्टिस्ट थे वहाँ पे, और उसमें मैजिक विनर बना था, तो मैजिक को लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पे, तो वो मेरे लिए यादगार था। बाकी मेरे जितने भी टीवी शोज हुए, तो ये मुझे हर वो पल अच्छा लगता है जिस पल में कोई ये कहता है मुझे कि यार आपकी वजह से ये छोटा सा बदलाव हमारे लाइफ में आया, तो ऐसे बहुत सारे पल होते हैं कि कोई ये कहता है कि हाँ हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए, या हमें मतलब जिस वक्त आपको आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो तो एट द सेम टाइम अच्छा भी लगता है, और साथ में जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि नहीं आप जो हो आपको और भी लोगों तक पहुंचना है। हर टाइम के मान जी बदलाव समय के अनुसार जरूरी हुए हैं, जादू में भी बदलाव होते रहे, तो थे मतलब की तरीका सु नया जो जादू ही बाकी खोज करो की तरीका सु निकालो? इसमें बहुत हद तक मेरी मदद करता है मेरा भाई, जैसे मैंने कहा गुरु, और मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है डेविड नाम है उसका, कलकत्ता से, वो मेरी मदद करता है, बहुत हेल्प करता है। मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अब और क्या करूं, तो मेरे पास ये दो ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ मैं बैठती हूँ, भाई और मेरा फ्रेंड, हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं कि अब और क्या कर सकते हैं, एंड वो लोग मुझे आइडियाज़ देते हैं, फिर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैजिक परफॉर्म करते हुए देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, तो देख देख के आइडियाज़ आते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि वो कहते हैं इंस्पिरेशन मिल जाता है कि यार इसने ऐसा कुछ किया, इसमें अपन और क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल नया रूप में आ जाए, तो इस टाइप के इंस्पिरेशन लेते रहते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि बिना जादू के भी
आपने कुछ ऐसा कोई दूसरा फॉर्म देखा, जैसे कोई डांस का परफॉर्मेंस देख लिया, कोई सिंगिंग का देख लिया, और वहां से भी आइडिया मिल जाता है ओके ये चीज हम इसको इस वे में मैजिक में भी कर सकते हैं, तो ऐसे आइडियाज मिलते रहते हैं। ये सबसे फेमस है शायद जादू की दुनिया में मैजिशियन कटर, क्यों आप बीच में से बिल्कुल काट दिया जाता है आपको और फिर आप सही भी हो जाते हो, कैसे करते न बताऊं तो नहीं चलेगा। ओके कैसे करती हूँ, कोई भी ये नहीं कहूंगी कि मैं फिर से वही बात कि बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि कोई चमत्कार रूप में है या मुझे सच में काट दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ठीक है आपके लिए मैं कट रही हूँ बट सच में कुछ और होता है वहाँ पर। अब रही बात कि लोगों का जुड़ाव की बात है, तो डेफिनेटली इस एक्ट को दिखाने के पीछे रीज़न एक ही रहता है कि पूरे शो में 2 घंटे तक जब लोग मेरे साथ बात करते हैं, देखते हैं, मैं परफॉर्म करती हूँ, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है 2 घंटे में। उनको मैं अपनी सी लगती हूँ जो ऑडियंस आती है। और एट द एंड मतलब जब पूरे शो में कभी आप हंसते हो, कभी ताजुब करते हो, कभी डरते हो, सारे इमोशंस आते हैं सिवाय एक इमोशन के, और वो है कि थोड़ा सा रोना, क्राइंग, दर्द। वो चीज़ मैं ये नहीं कहती कि मुझे दर्द देना अच्छा लगता है, लेकिन वो एक वो वाला दर्द होता है जब वो फीलिंग यार अपना कोई है। तो इसी वजह से हमने इस एक्ट को एंड में रखा है कि कहीं लास्ट में एक इमोशनल मोमेंट आ जाता है, यार ये अपनी थी, यार ये क्या हुआ, काश ये सब सही हो जाए। एंड फिर एट द सेम टाइम में जब स्टेज पर आती हूँ वेव करते हुए और स्माइल के साथ में, तो वो है एक हैप्पी एंडिंग होती है और वो लोग पूरा उस मोमेंट में चले जाते हैं। मतलब वहाँ पे वो जादू नहीं देख रहे हैं, वहाँ पे वो इमोशनल हो रहे हैं। एग्जैक्टली और मुझे ऐसा ही लगता है कि एंटरटेनमेंट का एक दूसरा नाम है अपने इमोशंस को बाहर लेकर आना। आप देखो ना यार आजकल के टाइम में लोग कहाँ इमोशंस को लाने के, छोड़ो उनको फुर्सत नहीं है कि वो क्या फील करें इस बारे में सोच सकें। तो मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि आप सिर्फ जादू देखने मत आओ मेरे शो में, अगर आप ये चाहते हो कि क्वालिटी टाइम आप अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, घर वालों के साथ स्पेंड करना चाहो और साथ में आप इंजॉय करना चाहो अपने परिवार के साथ, तो वो 2 घंटे के लिए आप जरूर शो में आओ। ये सबसे मेन चीज़ मैंने देखी कि भाई शो का मान जिया, डिजिटलाइजेशन के दुनिया का मान, लोग अगर घर में भी 4 लोग बैठे हैं तो वह फोन का मान खोल रहे हैं। वहाँ पे ये चीज़ मैंने आप यहाँ पे स्पेशली नोट करी कि ये जादू के माध्यम से आप लोगों को वापस, मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस जादू के माध्यम से क्या लोगों को वापस उसी वे में, वापस उसी नेचुरलिटी के साथ में जोड़ना चाहते हैं। मकसद मेरा ये है, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं एक बात देखती हूँ, आप देखिए आजकल के टाइम में जितनी लेवल पे मेंटल इलनेस आई है, मानसिक बीमारियां जो आ रही है, डिप्रेशन हो गया, एनजाइटी हो गया, सुसाइड्स हो गए, इन सबके पीछे मैं ये नहीं कहती कि सबके पीछे एक ही वजह है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन बहुत बार मैं ये देखती हूँ कि लोग आजकल गुस्सा जल्दी हो रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, फ्रस्ट्रेशन जल्दी हो गया, कोई बात करने के लिए नहीं है, एकांत उनको लगता है कि कहने को दुनिया है लेकिन वो अपने मन की बात किसी से कर नहीं पा रहे, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो उन लोगों के साथ या कह सकते हैं सही समय सही लोगों के साथ नहीं स्पेंड कर रहे। हम लोग अपने फोन में अपनी दुनिया को लेके बैठे हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि फोन का फोन गलत है या ये नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, फोन लोगों की लाइफ बना रहा है और ये जरूरी है, लेकिन अपने परिवार से या अपने दोस्तों से दूर होना ये बहुत हद तक मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, वो चीज़ें बहुत मायने रखती है। अगर कोई भी क्यूरी है तो थे भी एक मान कमेंट सेक्शन में थे मेंशन कर सको, और जादू मान की तरीका की जो आंखों अगर थे शो देख रहा हो तो भी कमान कौन सो थाने सो ज्यादा पसंद आए हैं बाबी थे जरूर बता दो, और वीडियो ज्यादा शेयर करियो, देखता रहो झलको सीकर।